बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लखनवी पसंदे की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने ये ले लिया है, ये है 4 किलो पसंदे, और इसको धो करके रख लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से पतले पतले पीस में कटे हुए हैं। इस टाइप से इसे काट लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। पसिंदों को अच्छी तरह से धो के साफ कर लेना, इसका पानी एकदम निचोड़ करके इसको ड्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम इसमें लगा देते हैं अदरक का पेस्ट। जो हम लेंगे 3 टी स्पून हम अदरक का पेस्ट लेंगे। और लहसुन का पेस्ट भी हम 3 से 4 चम्मच ले लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये नींबू का रस है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। एक बड़ा नींबू है, उसको हमने निचोड़ के रख लिया है, वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे पपीता। तो ये 200 ग्राम कच्चा पपीता है, इसको पीस करके महीन सा हमने पेस्ट बना लिया है, तो ये हम डाल देते हैं। और इसको हमने छिलका समेत पीसा है। अब हम इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच, 1.5 बड़ा चम्मच हम डाल देते हैं, यानी कि ये सर्विंग स्पून है, हम इससे लेंगे। और ये है टिक्का मसाला, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये हम टिक्का मसाले का ये पूरा पैकेट हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, और नहीं तो आप घर के मसाले से भी बना सकते हैं इसे। इससे ज़रा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये घर का होममेड मेरे पास गरम मसाला है, तो ये हम 2 चम्मच डाल देते हैं, यानी कि 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें। 2 टीस्पून हम डाल देते हैं इसमें गरम मसाला, और 2 टीस्पून हम डाल देते हैं इसमें जीरा पाउडर। तो हम सारे मसालों को इस तरह से डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब हम 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, और ये पसंदे अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। तो हम इसका नमक एक बार और चेक कर लेते हैं। तो इसका नमक जो है थोड़ा सा कम है, तो हम इसमें थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। और इधर मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, और एक मोटे तले की मैंने आयरन कढ़ाई चढ़ा दी है। तो जितना मोटा तले के आप बर्तन लेंगे, उतने अच्छे पसंदे फ्राई होते हैं। तो इसे आप कोयले पे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोयले इस टाइम है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही चूल्हे पे कढ़ाई पे फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और इसे हमें शैलो फ्राई करना है। तो हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे करते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। इस तरह से हमें सारे पसंदे इसमें और इस तरह से घिसा देना है, और घिसा के थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक भी देंगे, ताकि इसमें से जो भी पानी निकलेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें ये थोड़े से गलेंगे। वैसे तो ये मैरिनेशन में आधे से ज़्यादा ही जल गए होंगे। तो देखिए इसको पसंदे को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ढक करके पकाया है, तो इसमें से ये पानी निकला है। तो इसको पकते हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको इस साइड से पलट लेते हैं, और ये गल चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा और हाई पे कर लेंगे, यानी कि मीडियम से थोड़ा सा हाई कर लेंगे। और
इसका कलर हमें एकदम टिक्की वाला कलर लाना है। तो इधर मैरिनेशन में मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाला है, तो वो मैं उसमें बताना भूल गई थी। तो देखिए व्यूअर, ये दोनों साइड से मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल डाल के इसे फ्राई करना है। तो चलिए हम इसे डिश आउट भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मज़ेदार से लखनवी पसंदे बनके रेडी हो चुके हैं और ये जितना देखने में अच्छे लग रहे हैं वैसे खाने में भी ये बहुत ही मज़े के होते हैं। तो चलिए अब हम इसे तोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट से और जूसी से पसंदे बनके रेडी हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे आप रूखा भी खा सकते हैं, वैसे लखनऊ में तो इसे जो है शीरमाल के साथ खाना पसंद किया जाता है। तो देखिए इस शीरमाल में हम पसंदे को थोड़ा सा डालते हैं इस तरह से, इसे अगर आप यहाँ के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इस तरह से ही इन लोग बना करके देते हैं, ऐसे करके। इसमें ऊपर से थोड़ी प्याज डालेंगे और इसका रोल ऐसे बना करके, तो देखिए आप दोनों तरह से इसे खा सकते हैं। तो अगर उम्मीद है कि आप सबको अच्छी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। दोनों मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।